नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दो रंग का एक बेहद खूबसूरत डिजाइन बनाएंगे, जो बनाने में जितना आसान है, देखने में बनने पर उतना ही खूबसूरत। बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। छोटी छोटी बूटी का खूबसूरत सा डिजाइन। इसे बनाने के लिए हमें ऑड नंबर में फंदे चाहिए, तो मैंने सिलाई पे 11 फंदे डाले हैं। डिजाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिजाइन बनाते हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद ये डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो पहले फंदे को हम सेकेंडरी कलर के ऊन से सीधा बुन लेंगे। अगले फंदे को हम स्लिप करेंगे, लेकिन उसके पहले ऊन को हम अपनी तरफ करेंगे और अगले फंदे को हमें बुनना नहीं है, स्लिप कर लेना है। अब ऊन दूसरी ओर करेंगे और नेक्स्ट फंदा सीधा, ऊन अपनी ओर करेंगे, अगले फंदे को हमें बुनना नहीं है, स्लिप करना है, और फिर ऊन दूसरी ओर करेंगे और अगले फंदे को सीधा बुनेंगे। ऊन अपनी ओर, नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है, ऊन दूसरी ओर, अगला फंदा सीधा। तो एक फंदा हमें बुनना है और एक फंदा हमें स्लिप करना है, लेकिन स्लिप करने के पहले ऊन को हमें अपनी तरफ कर लेना है। नेक्स्ट फंदा सीधा। तो इस तरह हमारा ये पहला लाइन कंप्लीट हुआ। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, नेक्स्ट फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। ये फंदा जो हमने बुना था, इसे हमें स्लिप करना है, लेकिन स्लिप करने के पहले ऊन को हमें दूसरी तरफ करना है, यानी हमारा धागा इस फंदे के ऊपर से आएगा। देखिए, ये हमारा धागा इस फंदे के ऊपर से आया। अब अगले फंदे को, जो ये स्लिप किया गया फंदा था, उसे हमें बुनना है, तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए, ये फंदा हमने बुना था, इस लाइन में इस फंदे को स्लिप करना है, लेकिन स्लिप करने से पहले ऊन को दूसरी तरफ कर लेना है। अब इस फंदे को स्लिप किया, अब वापस ऊन अपनी तरफ कर लेंगे। नेक्स्ट फंदा जिसे हमने स्लिप किया था, उसे उल्टा बुन लेंगे, यानी जिस फंदे को हमने स्लिप किया था उसे उल्टा बुनना है, और जिसे बुना था उसे स्लिप करना है, लेकिन स्लिप करने से पहले ऊन को दूसरी तरफ कर लेना है। ऊन अपनी तरफ, अगला फंदा उल्टा, और लास्ट फंदा इसे भी हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमने दो लाइन कंप्लीट कर लिया। ये हमारा दो लाइन कंप्लीट हो गया। अब फिर हम अपने प्राइमरी कलर के ऊन से बुनेंगे। तो पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे, ऊन अपनी तरफ, नेक्स्ट फंदे को स्लिप करना है, ऊन दूसरी तरफ, अगला फंदा सीधा, ऊन अपनी तरफ, नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है, लेकिन स्लिप करने से पहले ऊन को हमें अपनी तरफ कर लेना है। अब ऊन दूसरी तरफ, अगला फंदा सीधा। एक फंदे को हमें बुनना है, अगले फंदे को स्लिप करना है, लेकिन स्लिप करने से पहले ऊन को हमें अपनी तरफ कर लेना है। एक फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, स्लिप करने के बाद फिर ऊन दूसरी तरफ करेंगे और अगला फंदा सीधा। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और ये हमारा चौथा लाइन है। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, अगले फंदे को उल्टा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदे को हमें स्लिप करना है। इस फंदे को हमने पिछली लाइन में सीधा बुना था, तो इस फंदे को हमें स्लिप करना है, लेकिन ऊन को हमें स्लिप करने से पहले ऊन को हमें दूसरी तरफ कर लेना है। अब फंदे को स्लिप करेंगे, ऊन को अपनी तरफ करेंगे और अगला फंदा, देखिए जो दूसरे कलर का फंदा है जिसे हमने स्लिप किया था, उसे अब हम उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए, इस फंदे को हमने पिछली लाइन में सीधा बुना था, तो अब रॉन्ग साइड में इसे हमें स्लिप करना है। स्लिप करने से पहले हमें ऊन को दूसरी तरफ कर लेना है। अब इस फंदे को स्लिप करेंगे, ऊन को अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हमने स्लिप किया था, तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए, सभी फंदे एक ही कलर के होते जा रहे हैं। अब देखिए, इस फंदे को हमने पिछली लाइन में सीधा बुना था, तो अब की हमें इसे स्लिप करना है, लेकिन स्लिप करने से पहले ऊन को हमें दूसरी तरफ कर लेना है। अब इसे हम स्लिप करेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे, और देखिए ये स्लिप किया हुआ फंदा था, तो इसे हमें उल्टा बुन लेना है।
इस फंदे को स्लिप करना है, स्लिप करने से पहले ऊन को दूसरी तरफ करना है, इसे स्लिप करना है, ऊन इसके ऊपर से ऐसे आएगा, देखिए फंदे के ऊपर से ऐसे ऊन आ रहा है। अब इस फंदे को हम उल्टा बुन देंगे और लास्ट फंदा है इसे भी हम उल्टा बुन देंगे। अब फिर हम अपने सेकेंडरी कलर के ऊन से पहला फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है, स्लिप करने से पहले ऊन को अपनी तरफ करना है, फंदे को स्लिप किया, ऊन दूसरी ओर किया, अगला फंदा देखिए ये स्लिप किया हुआ फंदा था पिछले लाइन में, तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब देखिए ये बुना हुआ फंदा था तो इसे हमें स्लिप करना है ऊन दूसरी तरफ, अगले फंदे को हमें सीधा बुनना है। देखिए ये बुना हुआ फंदा था तो इसे हमें स्लिप करना है, यानी हर लाइन में जिस फंदे को हमने स्लिप किया था उसे बुनना है और जिसे बुना था उसे स्लिप करना है। एक रंग के ऊन से दो लाइन बुनने के बाद अगला दूसरा लाइन, अगला दो लाइन दूसरे रंग के ऊन से बनाया जाएगा। दो ही लाइन का ये डिजाइन है और इन्हीं दोनों लाइनों को हमें रंग बदल बदल के दोहराना है। बेसिकली ये दो ही फंदे का डिजाइन है और दो लाइन का डिजाइन है। एक रंग के ऊन से दो लाइन बनाने के बाद अगला दो लाइन दूसरे रंग के ऊन से बनाया जाएगा और इन्हीं दोनों लाइनों को हमें दोहराना है। तो देखिए ये एक खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये एक खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये एक खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। सामने से देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा, बनाने में आसान, दो ही फंदे का ये डिजाइन है, छोटी छोटी बूटी का डिजाइन है, देखिए कितना खूबसूरत है। बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं और आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई करें, चाहे जेंट्स स्वेटर में करें बेहद खूबसूरत लगेगा, लेडीज प्रोजेक्ट में करें, बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में करेंगे, चाहे कैप में, हैट में, सॉक्स में, शूज में, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट में करेंगे ये बेहद खूबसूरत लगेगा। तो फ्रेंड्स डिजाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।